भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा बताया गया। शास्त्रों में तो इसके कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन आज भी हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जो इस परंपरा को जिंदा रखे हैं, जिसका उदाहरण है जिला न्यायाधीश स्वर्गीय श्री महादेव वामन देव, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को अपना गुरु माना। 14 मार्च 1879 को जर्मनी में जन्मे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी अमेरिका में हुई थी, सापेक्षता के सिद्धांत एवं द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण के लिए जाने जाते हैं। इनकी इन खोजों के लिए 1921 में इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर महादेव वामन देव, जो कि जिला न्यायाधीश रहे भोपाल, गैस त्रासदी में सबसे ज्यादा अवार्ड पारित किए थे, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन जी को अपना गुरु मानकर उनकी पुण्यतिथि पर परिवार के सदस्य की तरह अभिषेक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले न्यायाधीश मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर में भी 1990 के दशक के जिला न्यायाधीश के पद पर रहे। इस दौरान मंडलेश्वर के युवा एडवोकेट एवं समाज सेवी संजीव कुमार मोयदे उनके इस कार्यक्रम से जुड़ गए और मंथन विचार परिवार के माध्यम से लगातार 40 सालों से महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की पुण्यतिथि मंडलेश्वर के दत्ता मंदिर में अभिषेक कर मना रहे हैं। इस बार आयोजित कार्यक्रम में लगभग 22 व्यक्ति द्वारा देहदान किया गया। मंथन विचार परिवार के माध्यम से संजीव मोयदे द्वारा किए जा रहे प्रयास अनूठे एवं सराहनीय। इसके माध्यम से लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता देखी जा रही है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आपने अभी तक अपने परिवार में रिश्तेदारों में सैकड़ों पुण्य तिथि कार्यक्रमों में गए होंगे, शामिल हुए होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे पुण्यतिथि के कार्यक्रम में लेकर आए हैं जो आपकी सोच से परे होंगे। ये एक नई कल्पना है, एक नई सोच के साथ लगभग 40 सालों से ये एक संस्था जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन है उनकी पुण्यतिथि मनाते आ रही है। और इस कार्यक्रम में जो कि हमने देखा कि किस तरीके से लोग प्रेरित होकर अपने देहदान कर रहे हैं, साइंस के लिए किस तरीके से आगे आ रहे हैं, इस नई सोच को आगे लाने में हमारे राष्ट्रपति संजीव मोदी जी का भी विशेष हाथ है और हमारे साथ संजीव मोदी जी हैं। मैं बात करूँगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, 1990 से लगातार आज तक की परंपरा कैसे जारी है और कहाँ से मिली थी ये सोच। ये गुरुवा के न्यायाधीश श्री देव साहब थे, उनको मंडलेश्वर से बड़ा लगाव था और वो उन्होंने अपने इस लगाव के कारण मंडलेश्वर में 3 बार उनका ट्रांसफर एज ए डिस्ट्रिक्ट जज करवाया था। और मंडलेश्वर में रहते हुए वो महाराष्ट्रीय थे और भगवान दत्तात्रेय के प्रति उनका बड़ी आस्था थी और वो अल्बर्ट आइंस्टीन को अपना गुरु मानते थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है वह सिद्धांत आध्यात्मिक सिद्धांत है ऐसा उनका मानना था। इसलिए अपने गुरु की स्मृति में उन्होंने मंडलेश्वर के दत्त मंदिर में प्रत्येक पुण्यतिथि 18 अप्रैल को अभिषेक कराने का संकल्प ले रखा है। और ये सन 1990 से नियमित रूप से हर साल चल रहा है और हर साल अल्बर्ट आइंस्टीन की पुण्यतिथि पर यहाँ पर दत्त मंदिर में अभिषेक भी होता है मंडलेश्वर में और एक साइंस का कार्यक्रम भी होता है। और ये 1990 से अनुरोध जारी है। देव साहब वही जस्टिस देव हैं जिन्होंने भोपाल केस त्रासदी में 350 करोड़ का मुआवजे का अवार्ड, अंतरिम अवार्ड दिया था, जिसकी पूरे विश्व में एक न्यायाधीश के नाते प्रशंसा हुई थी। ये वही देव साहब उनके बाद इस परंपरा को आपने संभाल रखा है। जिस तरीके से गुरु शिष्य की जो परंपरा को उन्होंने निभाया वही आज तक आप भी निभाते चले आ रहे हैं। और आज हमने देखा जिस तरीके से लोग देहदान के लिए आगे आ रहे हैं, समाज के लिए एक नई सोच है, तो आज कितने लोगों ने देहदान किया और कैसे आप इनको प्रेरित कर लेते हैं देहदान के लिए? देहदान का विषय बड़ा जटिल विषय है भारतीय समाज में। मरने के बाद देह का दान करना बड़ा एक समाज में भी इतना प्रचलन में नहीं आया है, लेकिन मरने के बाद सिर्फ मनुष्य की देह ही नष्ट होती है, बाकी तो हर जीव जंतु की जो देह है वो किसी न किसी काम आती है। आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं इस बात को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।